नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। और एक नई वीडियो में मैं आ गया हूं देहरादून ट्रिप की। और इस टाइम मैं खड़ा हूं टपकेश्वर मंदिर के परिसर में। टपकेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूं, टपकेश्वर मंदिर, इस मंदिर का नाम क्यों पड़ा। टपकेश्वर मंदिर, इस मंदिर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो शिव जी की प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, उनके ऊपर एक बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है और आज तक पता नहीं लग पाया है वो पानी कहाँ से आता है। तो चलिए शिवलिंग के दर्शन करते हैं और मंदिर के भी दर्शन करते हैं। दिखाता हूँ आपको टपकेश्वर मंदिर, टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर। सामने आप देख रहे होंगे मंदिर की एक पार्किंग है, टपकेश्वर मंदिर एवं मेला क्षेत्र जहाँ पर लिखा हुआ है। और ये पूरी मंदिर की पार्किंग है, पूरी दूर तक फैली हुई है, वहाँ तक पार्किंग जो है वो पेड है। अगर आप अपनी गाड़ी सेफ खड़ी करनी है तो 40 रुपीज़ की पार्किंग है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी गाड़ी बाहर भी खड़ी कर सकते हैं, पर गाड़ी बाहर सेफ होगी या नहीं ये नहीं पता, बट बहुत से लोगों ने भी खड़ी कर रखी है बाहर गाड़ियाँ। तो मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं और बहुत सारी पूजा की सामग्री भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फास्ट फूड कॉर्नर भी आपको मिल जाएंगी, एक तो बिल्कुल मेरे सामने ही है। और ये है बहुत पुराना बनियान ट्री, सैकड़ों साल पुराना बनियान ट्री है ये, बरगद का पेड़। यहाँ पे ठहरने की भी उचित व्यवस्था है, सामने आप देख रहे होंगे ये धर्मशाला बनी हुई है मंदिर परिसर के अंदर ही, और मंदिर की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। ये मंदिर का एंट्री गेट है, भगवान श्री टपकेश्वर मंदिर, गढ़ी कैंट, देहरादून, उत्तराखंड। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं, रेलिंग भी लगा रखी है, इसको पकड़ के आराम से नीचे उतर सकते हैं। टपकेश्वर मंदिर की मैं दूरी की बात करूं तो ये सिटी से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जूते वगैरह उतारने के लिए प्रॉपर जगह मैं देख रहा हूं मुझे नहीं मिल रही है, लोगों ने तो यहीं पे उतार रखे हैं, तो मैं भी देखता हूं यहीं पे उतार देता हूं मैं भी। ये जो आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, ये पहले पुल हुआ करता था जो उस तरफ कनेक्ट किया करता था, लेकिन जब बरसात में बहुत सारा पानी आया था, यहाँ पर बाढ़ आई थी, तब से ये पुल टूट गया था। और उसके बाद से वहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पुल बना दिया है ताकि दोनों जगह को कनेक्ट किया जा सके। और चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं महादेव के, बाबा के। बोलो हर हर महादेव। मंदिर का एंट्रेंस यहाँ से है जहाँ से आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे, शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे हर समय पानी टपकता रहता है जिसका स्रोत आज तक नहीं पता लग पाया है। शिवलिंग है, आप देख रहे होंगे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिवलिंग के ऊपर निरंतर पानी टपकता रहता है, जल टपकता रहता है। अभी मैं खड़ा हूँ बीचों बीच, इस नदी का नाम है आसन नदी। अगर आप गूगल करेंगे तो इसका नाम आसन पता लग जाएगा आपको, आसन नदी है। और मॉनसून सीज़न में तो ये बहुत ऊपर तक आ जाता है इसका पानी, जहाँ आपको डालियाँ दे रही हैं लटकी हुई दिखाई दे रही, वहाँ तक पानी आ जाता है बरसात में तो। और जिसकी वजह से ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, यहाँ पर ये जो पुल आप दिखाई दे रहे हैं, जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था बाढ़ की वजह से। और दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के दूसरे हिस्से में जहाँ दर्शन होंगे आपको दुर्गा माता के। वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है वो मंदिर। भाई उस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर। तो रास्ता इसका यहाँ से जाता है, चलिए चलते हैं। तो यह जी प्रवेश द्वार गुफा का, चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये मंदिर प्रांगण में वाटर कूलर भी लगा रखा है, यहाँ पे ये जल पीने योग्य है, आप चाहें तो इसको पी भी सकते हैं। इस मंदिर में यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा है, जिसको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती है या दिव्यांग जन होते हैं
उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है। तो पिछले वाले शॉट में आपने देखा, मैंने लिफ्ट भी दिखाई आपको। इस मंदिर परिसर में लिफ्ट भी है ऊपर जाने के लिए। जिन लोगों से चढ़ा या उतरा नहीं जाता है उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है। 20 रुपये का शुल्क उस पर लगता है और वो आपको ऊपर तक छोड़ देते हैं। महादेव के और माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। होप करता हूँ आपने भी दर्शन कर लिए होंगे। वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।